नमस्कार आदाब, मैं शरी यासीन, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं टाइम्स। पीएम मोदी ने वायनाड में लिया भूस्खलन प्रभावित इलाकों का जायजा, तो कांग्रेस ने की बड़ी मांग। मणिपुर में फिर बड़ा तनाव, दो गुटों के बीच गोलीबारी में 3 लोगों की हुई मौत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच कंगना रावत ने कहा, उठाएं अपनी तलवारें। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत। मायावती का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, कहा लोग ठगा हुआ महसूस करें, सुप्रीम कोर्ट में सही से नहीं हुई पैरवी। बांग्लादेश में बीएनपी वर्कर्स को मिले थे 2 ऑप्शन, कहा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करवाओ या गोली खाओ। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वायनाड पहुंचकर हेलीकॉप्टर से आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी मौजूद रहे। यहां आपदा 30 जुलाई को आई थी, इसमें 416 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज़्यादा लोग लापता हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायनाड दौरे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि हमारी और राहुल गांधी की मांग थी कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। वायनाड में जो आपदा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 300 से भी अधिक लोग का देहांत हुआ है, मारे गए हैं, उसको लेकर हमारी मांग थी, राहुल जी की मांग थी कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और आज प्रधानमंत्री वायनाड गए हैं, अच्छा है वो गए हैं, वायनाड गए हैं, मणिपुर भी जाएंगे तो अच्छा होगा। डेढ़ साल से मणिपुर चल रहा है, मणिपुर भी जाएं, सभी जगह जाएं, यूक्रेन जाएं, रूस जाएं, वायनाड जाना जरूरी है और मणिपुर में भी जाना जरूरी है। आज दार्जिलिंग का एक डेलीगेशन आया मुझसे मिलने और कहा 10 साल हो गए प्रधानमंत्री दार्जिलिंग ही नहीं आए, तो कई लोग, सब लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए हमारे। मणिपुर से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार सुबह मणिपुर के टेंगनोपाल जिले में हथियारबंद ग्रामीण स्वयंसेवकों और कुकी विद्रोही समूह के सदस्यों के बीच गोलीबारी में 3 लोग मारे जाने की खबर है। हालांकि मणिपुर पुलिस ने अभी तक कोई शव बरामद नहीं किया है। ये गोलीबारी मणिपुर के टेंगरोपाल जिले के पलेर क्षेत्र में हुई है, जो राज्य की राजधानी इम्फाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, जहां राज्य विधानसभा का सत्र चल रहा था। टेंगरोपाल में पुलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता ने कहा है कि इलाके में गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस सुबह करीब 9:30 बजे घटनास्थल पर गई, तो पता चला कि किसी ने वहां आग लगा दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल की टीमें इलाके में तलाशी ले रही है, लेकिन रात करीब 10 बजे तक कोई शव बरामद नहीं हुआ था। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि गोलीबारी तब शुरू हुई जब हथियारबंद कुकी ग्रामीणों ने यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट पर हमला किया। ये यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट के अंतर्गत आने वाले समूह में से एक है। ये समूह कुकी विद्रोही समूहों और राज्य और केंद्र सरकारों के बीच त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर करता है। सूत्रों ने कहा है कि इलाके में टैक्स और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण को लेकर पार्टी के बीच आंतरिक तनाव था। उन्होंने बताया कि मारे गए 3 लोगों में से 2 हथियारबंद ग्रामीण थे और एक यूकेएलएफ कैडर का था। जला हुआ घर यूकेएलएफ प्रमुख एसएस हाउकिप का था। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से हिंसा हो रही है। हमलों में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। इस बीच बीजेपी सांसद कंगना रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हमें अपने देश को कट्टरपंथियों से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शांति को यह हवा या सूरज की रोशनी नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और यह आपको मुफ्त में मिलेगी। महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई शांति के लिए लड़ी गई है। अपनी तलवारें उठाएं और हर युद्ध शैली का अभ्यास करें। अगर ज्यादा नहीं हो तो दिन में आत्मरक्षा के लिए कम से कम 10 मिनट का समय दें। विश्वास में समर्पण करना प्रेम है, परंतु भय में समर्पण करना कायरता है। इसराइल की तरह अब हम भी चरमपंथियों से घिर गए हैं। हमें अपने लोगों और अपने भूमि की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक की सुरक्षा की अपील की है। वही शपथ लेने के बाद बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी देश में लोकतंत्र, न्याय, मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को फिर से कायम करने की बात कही है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए, जिस वजह से बहुत सारे लोग भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर बीएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है।
इसी बीच बीएसएफ के गुवाहाटी फ्रंटियर ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बांग्लादेश सीमा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों के प्रयासों को विफल कर दिया। बीएसएफ ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि करीब 1000 लोग, जिसमें ज्यादातर लोग हिंदू थे, भारत में शरण लेने के लिए सीमा पर पहुंचे थे। इस मामले में बीएसएफ ने तुरंत ही बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी को इसकी जानकारी दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन लोगों को वापस भेजा जा सके। ये सभी लोग बांग्लादेश के लालमोनिहाट जिले में सीमा से 400 मीटर की दूरी पर इकट्ठा हुए थे। इसको लेकर बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत सारे लोग सीमा पर एकत्रित हुए थे, लेकिन बॉर्डर के सील होने की वजह से कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया था। बाद में इन लोगों को बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश वापस अपने देश लेकर चले गए थे। भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति में शामिल अधिकारी बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को, हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि एनडीए सरकार बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। बाबा साहब अंबेडकर जी के मुताबिक एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई कैबिनेट में, उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है, इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर शिवसेना के बेटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि कैसे किसी व्यक्ति को धोखे से जेल में डाल दिया जाता है, 17 महीने तक उसे जमानत नहीं मिलती, उसके अधिकारों का हनन होता है। मैंने भी ये दर्द महसूस किया है। मनीष सिसोदिया से एक पैसा भी जब्त नहीं हुआ। बीजेपी मनी लॉन्ड्रिंग किंग है। 17 महीने के बाद मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निचले अदालत पर और ईडी पर जिस तरह से स्ट्रिक्चर पास किए, आप देखिए कि एक व्यक्ति को किस तरह से छल कपट से जेल में डाला जाता है। 17 महीने तक उसे बेल नहीं, जमानत नहीं मिलने देते, उसका अधिकार का हनन होता है। ईडी और निचली अदालत कानून से काम नहीं करती। मैंने भी ये वेदना सही है, अनिल देशमुख जी हो, संजय सिंह जी हो, बहुत लोगों को हमने देखा है। मनीष सिसोदिया के ऊपर एक पैसे का आरोप नहीं, मेरी जानकारी है कि एक पैसा उनके यहां से जब्त नहीं किया है। जो आप बोलते हैं ना क्राइम का मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, कहां मनी लॉन्ड्रिंग है? भारतीय जनता पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है, रिजर्व बैंक है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को भड़कती आत्मा बताया था। उन्होंने पीएम मोदी से शरद पवार के बारे में बात न करने का अनुरोध करने की बात का भी खंडन किया है। अजीत ने कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे ऐसा कुछ कहते हुए कोई वीडियो दिखाओ, तब मेरे नाम पर भी लिखा गया था कि मैं भेष बदल कर दिल्ली जा रहा हूँ।
मैंने उनसे सीसीटीवी वीडियो दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने सबूत नहीं दिया। पहले ऐसी खबर आ रही थी कि अजीत पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था कि वह शरद पवार के बारे में कुछ ना कहें। अजीत पवार ने यह स्वीकारा था कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार पर किए गए बयान से मायूती प्रभावित हुई। हालांकि अब अजीत पवार का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था और संविधान के मुद्दे के कारण लोकसभा चुनाव पर असर पड़ा। उन्होंने साफ कर दिया कि एनसीपी भी राज्यसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी की स्थापना के बाद से सतारा जिले से सांसद रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि हमने लोकसभा में बीजेपी से कहा था कि एनसीपी के गठन के बाद से उस जिले में हमारा एक सांसद है, घड़ी के चिन्ह पर एक स्थायी सांसद है। हमने बीजेपी के लिए सीटें छोड़ी। पीयूष गोयल हमें एक सीट देने पर सहमत हो गए। हम उस जगह से लड़ने जा रहे हैं। हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा कि उस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार संविधान को खत्म करने में लगी है और विपक्ष को प्रताड़ित कर रही है। इतने लंबे समय तक जांच के नाम पर लोगों को जेल में रखा जा रहा है, जो सरकार की तानाशाही का उदाहरण है। संविधान को खत्म करने में सरकार लगी है और सारे विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ भी मामला हो सिसोदिया के खिलाफ या विपक्ष के और नेताओं के खिलाफ, तो इतने लंबे दिनों तक जांच चलाएंगे और उनको जेल रखेंगे। तो अदालत के सजा देने के पहले सरकार सजा दे रही है, तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसी को कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो सिसोदिया जी को 17 महीने बाद जेल से छोड़ा गया, अदालत ने तो सजा नहीं दिया था। गिरफ्तारी होती, उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन संविधान की जीत हुई है। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ट्रेन ने महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या किए जाने की बात सामने आई है। यौन उत्पीड़न के बाद हत्या किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। शुक्रवार को सरकारी अस्पताल में ट्रेन महिला डॉक्टर का शव मिला था। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने कहा है कि एक दो दिनों में रिपोर्ट मिल जाएगी। निचल यही बता सकता है, जो नेचुरल नहीं है सब नॉन नेचुरल होगा, उसके बाद जो इंक्वायरी चल रहा है रिपोर्ट आएगा तो भी दैट इज दैट। मैंने अभी पूरा रिपोर्ट नहीं आने से नहीं बोल सकता, नेचुरल नहीं है यही ना, तो वो भी नहीं बता सकते। वो तो अभी रिपोर्ट के बाद ही सब पता चलेगा, वो दो एक दिन में आ जाएगा। हरियाणा के स्कूलों को राज्य सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस से अभिवादन के लिए गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना होगा। सर्कुलर राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, प्रिंसिपल और हेडमास्टरों को भेज दिया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी की सुझाव पर शिक्षा विभाग द्वारा जो हैं ये आदेश आए हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो हमारे स्कूलों के अंदर बच्चे हैं, अध्यापक हैं और सभी हम लोग अधिकारी हैं, कि सभी लोग गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग जैसे अभिवादनों के स्थान पर जय हिंद का प्रयोग करेंगे। इस तरह के आदेश हमारे पास आए हैं और ये आदेश जो हैं हमने सभी विद्यालयों में अपने खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से लागू करने के लिए भेज दिए हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली के लोगों में एक उत्साह का माहौल है। पूरी दिल्ली मजबूर महसूस कर रही थी कि पूरी तरह से बहुमत के साथ लोगों ने सरकार बनाई और गलत तरीके से इस सरकार को गिराने का काम किया जा रहा है। पूरे दिल्ली के लोगों में एक उत्साह का माहौल है। पूरी दिल्ली मजबूर महसूस कर रही थी कि प्रचंड बहुमत से लोगों ने वोट दे करके सरकार बनाई और प्रचंड तरीके से इस सरकार ने काम किया, लेकिन जिस तरह से 17 महीने से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, जिस तरह से अत्याचार और अन्याय किया गया, लोगों को लग रहा था कि ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के ट्रायल कोर्ट तक, फिर ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक,
जो ये जमानत के लिए यात्रा चलती रही, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोग केवल दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आते ही अपने पुराने अंदाज में दिखे। उनके जेल से बाहर निकलने के बाद मानो आम आदमी पार्टी में एक बार फिर जोश आ गया है, जिसकी शायद उसको बहुत ज़रूरत थी। जेल से बाहर आते ही सिसोदिया सबसे पहले केजरीवाल के घर पहुँचे और उनके माता पिता, पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। आज वो आप मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेईमानी हो गई है, ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे कि केजरीवाल कौन है जानते हो, बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर जबरदस्त जुबानी हमला बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में ठीक से केस की पैरवी नहीं करने का भी आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं की है। SC/ST के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। SC/ST में क्रीम लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री जी हवा हवाई आश्वासन दे रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की नौबत आ गई है। कल BJP सांसद का डेलीगेशन PM से मिला था। BSP चीफ ने कहा कि केंद्र सरकार को संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए। PM मोदी ने सांसदों को क्रीमी लेयर लागू न करने का आश्वासन दिया है। संसद का सत्र खत्म हुआ लेकिन विधेयक नहीं आया। ऐसा लगता है कि आरक्षण को निष्प्रभावी किया जा रहा है। हमारी मांग है कि संशोधन लाकर कोर्ट का फैसला पलटा जाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करने की नौबत आ गई है, बिना विधेयक लाए संसद सत्र खत्म किया गया है। बसपा सुप्रीमो ने PM मोदी के आश्वासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि PM के आश्वासन की पुष्टि नहीं की गई है। केंद्र विधेयक लाती है तो BSP स्वागत करेगी। PM ने भरोसा दिया लेकिन कार्यवाही नहीं की है। पूरा SC/ST वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय आज दिल्ली से पटना पहुंचे, जहां पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने वक्फ बोर्ड मामले को लेकर कहा है कि वक्फ बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और इसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उन तथ्यों पर जाना चाहिए। विधेयक अब JPC में चर्चा के लिए गया है, उस पर विचार होगा। विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो, इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब JPC में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। ब्राजील में एक प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें सवार सभी 62 लोगों की मौत हो गई। ये एक टर्बोप्रॉप प्लेन था जो शुक्रवार को ब्राजील में साओ पाउलो के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना स्थल के पास से स्थानीय लोगों ने ये जानकारी दी है। उस दुर्घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें हादसे की भयावह तस्वीर नजर आ रही है। विमान आसमान में अनियंत्रित हो गया और गोल गोल घूमने लगा और ऐसी स्थिति में विमान जमीन पर आ गिरा। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक विमान हादसे के वीडियो में दिखाया गया है कि ATR निर्मित विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और घरों के पास पेड़ों के एक समूह के पीछे गिर गया, जिसके बाद काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठा। विनहेडो के पास विलिनहोस के शहर के अधिकारियों ने कहा कि कोई भी जीवित नहीं बचा है और स्थानीय कॉन्डोमिनियम परिसर में केवल एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि किसी भी निवासी को चोट नहीं आई है।
दुर्घटनाग्रस्त के तुरंत बाद एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा कि मुझे एक बुरी खबर का वाहक बनना है, जिसके बाद उन्होंने विमान दुर्घटना के बारे में सूचित किया। साथ ही उन्होंने दुर्घटना के पीड़ितों के लिए एक मिनट का मौन रखने को कहा। वही एयरलाइंस वेपास ने कहा कि विमान ने पराना राज्य के कास्कावेल से साओ पाउलो के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। ये विमान साओ पाउलो से लगभग 80 किमी उत्तर पश्चिमी में विनहेडो शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। इस बीच शेख हसीना के कार्यकाल में गिरफ्तार किए गए विपक्षी दल के नेता और अन्य छात्र नेताओं को भी जेल से लगातार रिहा किया जा रहा है। जेल से रिहा दो छात्रों ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जो बताते हैं कि शेख हसीना कैसे इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता निजामुद्दीन मिंटो और जाकिर हुसैन को बुधवार को ढाका सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था। मिंटो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं जबकि जाकिर केबल व्यवसाय में हैं। दोनों ने ढाका में आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों की मदद की थी। मिंटो ने उनके बीच पीने का पानी बांटा और जाकिर ने उन्हें बिरयानी लाकर दी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में उन भयावादिनों को याद करते हुए बताया कि 22 जुलाई को सुबह 12:30 बजे सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों का एक ग्रुप हमारे कमरे में घुस आया और मुझ पर और मेरे दोस्त जाकिर पर पिस्तौल तान दी। एक पुलिसकर्मी ने हमें कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो हमें मार देंगे। उनका कहना था कि हमने कई पुलिसकर्मियों को मार डाला है, इसलिए वो ऐसा करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वो पहले ही 25 युवाओं को मार चुके हैं और हम 26वें और 27वें नंबर पर होंगे। मिंटो ने कहा है कि 4 दिनों की यातना के बाद हमें अदालत ले जाया गया और ढाका सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 5 अगस्त को हमें बाहर की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई। हमने सुना कि शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई हैं। हम पद्मा नामक एक कोठरी में थे। हम बगल की कोठरी मेघना से जोरदार नारे सुन सकते थे। अगली सुबह हमें बताया कि हमें रिहा कर दिया जाएगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।